जब भी मैं आता हूँ किसी को पता नहीं रहता है, पता ना ये लोग क्या समझ लिए अपने आप को, न चौकीदार का पता है न राम सिंह का पता है। राम सिंह, अरे गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, क्या समझ लिए अपने आप को? अरे हम जो है यहाँ साहब। और चौकीदार कहाँ है? अरे साहब उनका बात मत पूछिए, वो कहाँ रहता है, बुलाओ उसको। चौकीदार कहाँ के भीख मांगा हो सर? अरे जल्दी बुलाओ उसको, खाली हमारे तुअरे चिल्ले बड़ा सका रे। अरे जल्दी आओ। नमस्कार दरोगा जी। नमस्कार चौकीदार, क्या तुमको भीख मांगा हम नजर पड़ते हैं? ना जी रोगा का ना कौन है, इन लड़का का कौन है? देखिए सर, देखिए क्या कह रहा है, इनको क्यों बोल दिया? हम जिनकी भीख मांगा इल बड़े से ऐसे बोल नहीं, हमना जिनकी की थाना इंचार्ज है, यहाँ के सिपाही जी है। साहब जो जी में आता है वही बक देता है, जो समझ में आता वही बोल देगा तू? ना ना सरकार, हम ना बोलो। जानते हो आज कहाँ जाना है? कहाँ जाए के बाद? आज मेले के अंदर तुम्हारा ड्यूटी है। अच्छा, हमारी ड्यूटी मेला में रही। और तुम्हारे साथ ये राम सिंह रहेंगे। अच्छा, यहाँ का नया भर्ती कौन यहाँ का? अरे ये तो अभी नए नए दो चार महीना हुआ इनका आया हुआ। ना हो, नया भर्ती भइल है। अरे बेवकूफ, नया नजर आ रहे हैं हम, सिपाही हम। अरे तुम्हारे नजर में क्या है? दरोगा जी के लौंडा हूँ। देखिए सर, देखिए देखिए क्या कह रहा चौकीदार, ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? ना ना कुछ ना। कैसे बोल दिया? अरे बोल दे नहीं है, मजाक। तुम्हारी ये मजाक, मेरे सामने एक सिपाही का बेइज्जती क्या समझ गया? आगे बोलो, जो जी माता वही बोलता। कुछ भी बोलते हैं। राम सिंह इधर आइए। नाम राम सिंह और काम कुछ नहीं। अरे सर हम क्या करें, बक 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 तो ये कर रहा है। कैसा रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है सर। चौकीदार हमारे ब्याह भइल बा। सच बोल रहे हो? हाँ जी, हमार ना हमार भाई के। ठीक है, हर आदमी का कहीं ना कहीं शादी होता है। तब इसे कोई बात नहीं है, लेकिन सुनो ये ददरी मेला लगा है। अभी तो लागल नहीं थे, लागे वाला पे। अरे मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। जी हाँ हाँ महाराज, आगे बढ़ बढ़ के मैं बोला करो। अच्छा ना बोलो, चलिए। दो पैसा के आदमी और लंबा लंबा बात करता है। तनखा हम बोलो, मजाक बना दिया क्या तू? अरे ना जी ना महाराज, मैं जितना बोलता हूँ सुनो। राम सिंह जी सर, इनके साथ जाना होगा। ठीक है। और मेले के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। चौकीदार, हाँ। मैं जो बता रहा हूँ सुन रहे हो? हाँ सुना। नहीं, कहाँ तुझे ड्यूटी करना है? मेले में। मेले के अंदर भी जगह है। हाँ हाँ हाँ। तुम एक नंबर पर रहोगे और ये दो नंबर पर रहेंगे। दो नंबर के बुझाते। देखिए सर, देखिए देखिए, हर वक्त तो मजाक करता है। दो नंबर चौराहे की बात करता हूँ, तुम क्या समझ लिया? दो नंबर का तू फिर वही बात। हम जानी दो नंबर पर रही है ना। ठीक बात, ठीक बात। दो नंबर पर रही, हम एक नंबर पर रहो। राम सिंह जी सर, दो नंबर पर रहेंगे, हम जा रहे हैं। तुम लोग के लिए हर व्यवस्था ओके है, ड्यूटी के लिए तैयार हो जाओ। और मेले के अंदर किसी प्रकार की गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। हमारा ड्यूटी पर ड्यूटी ना खर खर इन करके समझाई। अरे मैं तुमको भी समझा रहा हूँ। तो हमारे को समझाई, लेकिन उन्होंने समझाई। तुम दोनों साथ में रहोगे। हम दोनों आदमी साथ में रह जाए। और किसी प्रकार की लापरवाही हुई तुम लोग अपना खैरियत समझना। ठीक। अच्छा अच्छा, हम चल रहे हैं। क्या कुछ कहना है? ना 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 ना, जो कहना है बोलो। जाई मेरे सामने बोलो। ना जाई। अच्छा तो हम जा रहे हैं। तो जाई। राम सिंह जी सर, ध्यान देना। ठीक है सर। जाई। जा रहे हैं। जाई। ठीक है। जाई। जाता रहता जो। अरे चुतिया, जो जी में आता वही बक देता है। कुछ कहानी है? क्या कह रहा है सर? कुछ और ना कहानी। अरे चुतिया, अगर सुन जाते तो गांव में लोग पेल लेते। ए सिपाही जी, सिपाही जी
ए सिपाही जी कहो। अच्छा कहो, ये बताओ पढ़ा लिखल हो? इससे क्या मतलब? तो कैसे सिपाही में भर्ती? अरे छुट्टियां बिना पढ़े लिखे हम सिपाही में नौकरी पाया है। अच्छा कौन तक ले पढ़ल हो? हम इंटर पास है। इंटर पास हो? अच्छा, ये सरकार तारा के दिल दिए? मैं तुम्हारा बाप दिया है वर्दी। तब ठीक बा, ठीक बा। तो पढ़ा लिखल हो ना? फिर वही बात। हाँ, माने कौन तक ले पढ़ल हो? हम इंटर पास है, क्या बात है? अच्छा, एगो प्रश्न का उत्तर बताइबो। पूछो। अच्छा ये बताओ कहाँ के भर्ती हो? अरे उत्तर प्रदेश में भर्ती हुए चुटिया। अरे माने जगह बा कोनो भर्ती के? आजमगढ़ के हो कि बनारस के हो? कहाँ के हो? पीछा पारा के हो? अरे बेवकूफ कहाँ है? माने आजमगढ़ के भर्ती की? आजमगढ़ के भर्ती है। चलो तो पढ़ा लिखल हो ना? फिर वही बात। तो एगो प्रश्न का उत्तर बताओ। पूछो। सास पतो ही ननद भौजाई आ तीन गो रोटी बा के खाई? सात सास पतो ननद भौजाई आ तीन गो रोटी बा के खाई? अरे बेवकूफ, ये क्या कह रहा है? सास पतो ही ननद भौजाई आ तीन गो रोटी बा के खाई? चुतिया ननद भौजाई दो होती है। हाँ, ननद भौजाई? हाँ यार, एगो ही न होले। चुतिया बनाते हो तुम को? ठीक कहतनी। आए सिपाही जी, एगो प्रश्न कौरी बताई। पूछो। एगो टेबल पर चार गो सेव बा, अब पांच आदमी खाए वाला बड़ा सो गो आगे खोई है, कैसे खोई है? एक टेबल पर पांच सेव है। चार गो सेव? चार सेव है। हाँ, पांच पांच आदमी खाने वाले हैं। हाँ, कैसे खोई है? चुटिया तो कैसे खाएंगे? लो सो गो आगे खाएगा। फिर वही बात, चार सेव है तो पांच आदमी कैसे खाएंगे? खाई है, खाई है। हाँ, एगो टेबल पर चार गो सेव बा, अब पांच आदमी खाए वाला बा, कैसे खोई है? अरे बेवकूफ, तेरे कहने का मतलब ये न हुआ कि एगो टेबल पर चार गो सेव बा? अच्छा, हम समझ गए कि एक टेबल में पहले से रखा गया था और बाद में चार रख दिया गया। पांच हो गया, पांच आदमी खा लेंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। एगो सिपाही जी, क्या है बताई? नौ गो दिन छह गो कम कर कौ गो भाई? नौ छ पंद्रह। कहता रख इंटर पास हुई, नौ गो दिन छह गो कम कर तो पंद्रह गो हो गई। नौ छह पंद्रह हुआ बेवकूफ। नौ गो बीन छह गो कम कर। कम कर? कम करने के लिए कह रहा है? तब तो हम समझा चुटिया कही का कम कर ना। कम कर, नौ में तीन निकल गए, छह बचा। अच्छा ये बताओ, नौ किलो चीनी और तीन किलो खैनी कौ किलो भाई? नौ किलो खैनी, नौ किलो चीनी, तीन किलो खैनी, नौ तीन बारह हुआ। ये पढ़ा लो इंटर पास। नौ किलो चीनी, तीन किलो खैनी, तो बारह किलो हो गई। खैनी कह रहा है चुटिया? हम तो खैनी कह रहा है। नौ किलो चीनी, तीन किलो खैनी, छह किलो बचा। ठीक। अच्छा एगो और प्रश्न का उत्तर बताओ। पूछो। काथा सुपारी चूना पान दूबे कती के बाईस कान? अरे बेवकूफ नहीं ना हो, दो आदमी का बाईस कान होगा? होला हो, होला। बाईस कान हो, कैसे होगा चुटिया कहीं? काथा सुपारी चूना पान दूबे कती के बाईस कान, रावण के कौ गो मुड़ी रहे? बताओ तो। दस मुड़ी था। कानवा कौ गो हो गई? दस दूनी बीस। आ मंददारी के दूगो? अरे चुटिया बहुत चालाक मालूम पड़ते हो तुम, बहुत चालाक। स्कूल के पिछवाड़ा पास है। हाँ हाँ, ठीक है। ए मुखिया, ए सिपाही जी, क्या है? एगो गाना गाई। गाना? हाँ? गाना भी गाते? एगो हम सापाना देखनी। ओ क्या रउआ रसमलाई के कराहा में गिर रहनी है, आ हम पायखाना के टंकी में गिर रहनी है। अच्छा, रउआ चटत रहनी है हमारा के, हम चटत रहनी है रउरा के। आए सिपाही जी, अच्छा बियाह शादी हो गई बा रउर? चुटिया का ब्याह शादी से मतलब क्या तुझे? माने ब्याह शादी भइल बा ना? हाँ हो गया है। लड़को को बड़े सो? लड़का है। हो गो बड़े सो? पांच छह गए। के कर हम सो? चुटिया कहीं क्या, हर वक्त मजाक करता है। ए सिपाही जी, क्या है? तनी टोपिया दी तो, तनी टोपिया हम हूं लगावे के सब खबा की पीपी हम हूं बन जाती। टोपी लोगे? चलो लगा लो। ए सिपाही जी, क्या है? हमर बेटावा पूरा रिजेक्ट हो गई बा, तनी बेटाई दी तो लठिया। ए जी भाई, क्या गति को चली है? टोपी और डांटा ले लिया तो भाई बन गया चुतिया। देखो
नालायक चुप उठाओ, हमारा चुप उठाओ। अरे सिपाही जी, क्या है? एगो गाना गाई। गाना भी गाते हो? बड़ा बढ़िया गाना गाई। सजाओ। सुनी? सुनाओ। अरे साजन मेरा उस पार है, अरे साजन मेरा दतचियार है, हमारा सिपाही जी के बहिनिया के भातार गीत है, गीत कर रहा है तो क्या? गाना है तो चुप, गाली कर रहा है। एक और से बनिया गाना सुन रही है। क्या कहिए गा? गीत कर रहा है, गीत गाली देते हो? एक वो गाना सुनी भरत शर्मा के गीत गाओगे? सुनी लगाना गा बतानी भरत शर्मा। गाओ चुटिया कहीं क्या? अरे जब से सिपाही जी के पड़िया गभिनाई, सुकवे सनी चर के पड़वा दी। यही गीत है, यही गीत है। अच्छा एक और से बढ़िया गाना गाइए। कहीं क्या? अरे रेशमी सलवार कुर्ता फटा रहा, बुढ़िया बीमार बुढ़वा डटा रहा। जब जब बुढ़िया डांटे सिपाही जी के गाली देते हो? अब ना कहीं दे दादा, अब चल जा मेला में। चलो हाँ चली चले के ना। चलो लिए को फिल्मी गाना सुनी। फिल्मी गाना सुनी? क्या फिल्मी सुनाएगा चुटिया कहीं का? तू तक तू तक तू तक तूतिया, I love you सिपहिया साला चुटिया। चली चल जाए मेला में ड्यूटी दी हो जाए। देव तू पाल लगा कर भर दिया तू। चली चली चलो चल।